मेहरा जी ने न सिर्फ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जो आप सब जानते हैं कि हमने आपके साथ में किया था, उसके अलावा जो है राकेश मेहरा जी ने ये फिल्म मुंबई शहर में अगर सबसे पहले या इंडिया में सबसे पहले कुछ तीन चार लोगों ने देखी थी तो राकेश मेहरा साहब उस स्क्रीनिंग में थे, हमने इनके लिए किया था करूँगा इन द शैडोज के लिए, ज़्यादा बात मैं चाहूँगा कि यही करें। दीपेश हमारे एल ए के डायरेक्टर, हाँ हाँ, और फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की है। सो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग सुबह सुबह ही भूसान फिल्म फेस्टिवल से आए हैं उस फिल्म की स्क्रीनिंग करके। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अ पैक्ड हाउस एंड सो मेनी शोज आर देयर, गुड रिव्यूज यू नो कमिंग आउट। सो ये एक फिल्म के लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, खास करके एक इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए इन सब फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है उसको, उसको एनकरेजमेंट मिलता है, उसको मेंटरशिप मिलती है, व्हिच इज़ बीन क्वाइट व्हाट टू से क्वाइट हम्बलिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आप मीडिया छोड़िए, आप मैं ही नहीं जानता, अभी तक हमने जितना भी देखा है मनोज भाई के लिए, मेरे को लग रहा है कि कुछ हमने 10-20% ही देखा है इनके इनके कैलिबर का। अब आप जब इन द शैडोज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये जो जर्नी है इनकी एज एन एक्टर, वो एक तो होता है कि हम स्टेप्स लेके चलते हैं आगे, और आई थिंक ही इज फ्लाइंग राइट नाउ, ही इज़ इन फॉर्म एंड इन सबलाइन फॉर्म जो कहते हैं कि अपने करियर के बेस्ट मुकाम से गुजर रहे हैं और इससे भी अच्छा होगा। और जब मैंने देखी इनकी पहली फिल्म है और ऐसा लगता नहीं पहली फिल्म है, और कहते हैं कि जब आप अपने आप से बेहतर हो जाए, आप यू आउट टू योरसेल्फ, ऐसी परफॉर्मेंस शायद मैं ये बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी परफॉर्मेंस हमें सिर्फ इंडियन सिनेमा ही नहीं बट वर्ल्ड सिनेमा में अगर आप देखने जाए, और आज के युग से नहीं इन द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, तो ये उन चुनिंदा परफॉर्मेंस में से गिनी जाएगी। थैंक यू। और देखिए एज एन एक्टर यू नो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर यू नो न्यू टेरिटरी, ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी चैलेंजिंग विच आई हैव नॉट डन बिफोर, बट यू नो कमिंग फ्रॉम राकेश मेहरा और माई डायरेक्टर दीपेश जैन, यू नो एवरी टाइम इट स्केयर्स मी सम टाइम दैट आई डोंट नो वेदर इट इज़ ओनली 20% और 200% आई हैव ऑलरेडी यू नो गिवन, बट येस दीज आर द वर्ड्स विच आर वेरी वेरी इनकरेजिंग, दीज आर द वर्ड्स दे डोंट लेट मी स्लीप, दे डोंट लेट मी बी कॉम्प्लेसेंट, दे डोंट लेट मी रिलैक्स एट ऑल, आई मीन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि I think I'll dye my boots on with these words. बहुत कमाल की फिल्म है, अच्छी जब बन जाएगी फिल्म बागी टू तब हम आपको दिखाएंगे कमर्शियल फिल्म, बहुत साल की बात कर रहा हूँ। दीपेश जी एक्सेलेंट, लाइक आई कुड नॉट हैव आस्क्ड, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फॉर हिम एंड लकीली वी गॉट हिम, एंड एज मिस्टर मेहरा ऑल्सो सेड दैट आई शुडंट से बिकॉज इट्स माई फिल्म, लाइक इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, but it's very true performance to what the character is and very very different performance that Indian audience will see in terms of like in the acting style and all that, it's truly international, bilkul international kisam ki acting hai, and I think like he has outdone himself and I don't take credit for that, it's all his doing. Chale shuru start ji. In the Shadows actually ek psychological thriller hai, ek do kahaniyan jo parallel chalti hain, lekin दो इंसानों की जो ओल्ड दिल्ली में, दिल्ली 6 में उनकी गली गलियों में जूझ रहे हैं, उससे किस तरह से उससे निकले, जैसे एक मेज़ में फंस जाता है ना इंसान, तो उस तरह से वो फंस गए, और किस तरह उनकी ये खोज है कि कैसे वो उस जंगल से, उस चंगुल से निकल के आए। मानिफेस्टो किस तरह का है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे
छोटे छोटे फिल्मों को ये मिलता देखा जाए। मामी बहुत हाँ बहुत अच्छा फेस्टिवल, आई थिंक उनका सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। दुनिया भर की फिल्में यहाँ पे दिखाई जाती है, छोटी बड़ी हर किस्म की फिल्में लोगों को यहाँ इनवाइट किया जाता है। आप डायरेक्टली डायरेक्टर्स एक्टर्स इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं Q&A जब होता है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके साथ इंटरेक्ट करने का, नई तरह की फिल्में देखने का। एंड आई थिंक बहुत लोग भर भर के आते हैं, बल्कि हॉल कम पड़ जाते हैं लोगों के लिए, सीट कम पड़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ये सक्सेसफुल चल रहा है। एंड मैं आई विश मामी ऑल द बेस्ट ऑलवेज बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक फेस्टिवल। क्या फीलिंग थी जब आपको मालूम पड़ा कि आपकी मूवी गई है मामी? जी हमारे लिए तो बहुत बड़ा वो है, क्योंकि एक्चुअली हमारी फिल्म 14 तारीख को बुसान में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे उसके बिल्कुल बाद इंडिया प्रीमियर यहाँ पे हुआ है हमारा। एंड आगे जाके अभी दो दिन में फिर से शिकागो में US प्रीमियर होगा। तो काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रही हैं फिल्म के लिए, बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू मिल रहा है, लोग बहुत सराह रहे हैं फिल्म को, रोते हुए बाहर आते हैं, बहुत इमोशनल होके बताते हैं किस तरह से उनको बहुत पसंद आई है फिल्म। तो वी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। अब आगे आज तो पूरी टीम के साथ देखेंगे, Q&A होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप बिजी रहने वाले हैं? जी आशा तो यही करती हूँ कि भाई अब इतना सब काम करके, इतनी अच्छी तारीफें सुन के अब आगे काम मिलता रहे, बिजी अच्छा काम मिलता रहे। बिल्कुल। मनोज वाजपेयी भी है इस मूवी में, किस तरह काम का एक्सपीरियंस रहा? उन्होंने तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि उनका एक्सपीरियंस वो बहुत मतलब बहुत ही उम्दा एक्टर है। अनफॉर्चुनेटली मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं है इस फिल्म में, तो मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, अगली फिल्म में करना पड़ेगा। लेकिन बस ये जानकर कि इतने सारे मनोज वाजपेयी जी तो है ही, लेकिन रणवीर शौरी जी, नीरज कबीर जी, सब बहुत बहुत उम्दा एक्टर्स हैं, और सबके साथ एक फिल्म में होना ये भी दिखलाता है आपको कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी थी, कहानी कितनी अच्छी थी, कि सब, क्योंकि दीपेश तो पहले फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत प्यार से कहानी बनाई है। हालांकि ये है डार्क कहानी, लेकिन बहुत उसमें इमोशन है और एक प्यार है जो आपको नज़र आएगी। इसके अलावा अभी तो ये सीक्रेट गेम्स है जो अगले सीजन में मैं करूँगी, तो बस यही है। थैंक यू थैंक यू।